नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र से बीते 10 अगस्त को लापता हुए युवा का शव आज सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पचपठा मंदिर के समीप बिहार नदी में देखा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शहर के सभी थानों से संपर्क करने पर पता चला कि 10 अगस्त को एक युवक की गुमशुदगी की बिछिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। गुमशुदा के परिजनों से संपर्क करने पर मृतक की पहचान बिछिया निवासी मुकेश सोधिया के रूप में की गई, जो बीते 10 अगस्त की दोपहर तकरीबन 12 बजे से लापता था। परिजनों ने बताया कि मुकेश सोधिया कुठुलिया के समीप एक होटल संचालित करता था। घटना दिवस वह बैसा नहर के किनारे देखा गया था, लेकिन घर वापस न आने के बाद परिजनों के द्वारा गुमशुदगी की शिकायत बिछिया थाने में दर्ज कराई गई, जिसका शव आज पचमंडा मंदिर के समीप बिहर नदी में पाया गया है। इधर घटना को लेकर लोगों का कहना है कि मृतक नशे का भी आदी था। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक नहर किनारे टहल रहा था, तभी अचानक लापता हो गया, जबकि किसी भी तरह के विवाद की बात नहीं की गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दो थानों की पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मृतक के शव का पंचनामा कार्रवाई करते हुए उसे पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। जो नदी में शव मिला, ये कौन है आपको? भाई ये बड़ा हमारा। ये कैसे घटना हुई थी, क्या हुआ था? घटना कुछ नहीं हुआ, दुकान साइड से नहर साइड चला जा रहा था, बताया वहाँ की निवासी लोग, मम्मी गई तत्काल हमारी। नहीं तो क्या नहीं, कोई बात ही बात कोई बात कभी नहीं, दुकान में रहते थे। उठ लिया बाट 45 चौराहे में होटल है, होटल चलाते जी जी। ये कब मतलब कब गिरे थे है? ये देखा कोई नहीं थे, वहाँ बोल रहे थे यहाँ पास खड़ा है। गया है ये घटना 10 तारीख 12:30 बजे दोपहर में। परिवार में कौन कौन है? हाँ मैं वहाँ भाई हूँ, उनकी शादी हुई, बच्चे हैं जी, बच्चे हैं, तीन बच्चे एक बच्चा है। क्या नाम है इनका? केश सोनिया। आपका? विकास सोनिया। घर कहाँ पे आप लोग का? बिछिया में। कौन सा वार्ड है? 41 वार्ड।